पंचायत समिति तिजारा के सभागार कक्ष में साधारण सभा की बैठक आयोजित की गई, जिसमें मुख्य रूप से विकास कार्यों एवं मुख्यमंत्री निरोगी राजस्थान चिरंजीवी स्वास्थ्य पर चर्चा, मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना वार्षिक कार्य योजना 2022-23 का अनुमोदन व जल जीवन मिशन एवं लंपी वायरस की रोकथाम हेतु व्यवस्थाओं पर चर्चा की गई, जिसमें मुख्य रूप से विकास कार्य पर चर्चा की गई। साधारण सभा की बैठक में सबसे अधिक पेयजल की शिकायतें आई। बैठक में सरपंच गणों एवं लोगों के द्वारा गांवों में जगह जगह पाइपलाइन लीकेज एवं सड़क मरम्मत की अधिक शिकायत मिलने पर विधायक संदीप यादव ने जलदाय विभाग की सहायक अभियंता को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि जलदाय विभाग की समस्याओं का निपटारा जल्द से जल्द किया जावे। इसके अलावा सार्वजनिक निर्माण विभाग को एवं पंचायत के द्वारा बनाई गई सड़कों पर अतिक्रमण का मुद्दा भी विशेष रूप से बैठक में छाया रहा। इस दौरान प्रधान जेपी यादव, उपखंड अधिकारी महेंद्र सिंह यादव, तहसीलदार बसंत कुमार, टपूकड़ा तहसीलदार रेखा यादव, वीडियो इंद्राज मीना, सरपंच संघ अध्यक्ष दिनेश खामरा, विक्रम यादव, रतिराम, फतेह मोहम्मद, रामनिवास यादव, धोलाराम, एमपीएस सहित सरपंच, एमपीएस व परिवादी उपस्थित रहे।